बाबा ट्रैवल्स पॉइंट के नागपुर पुनः बस का शुभारंभ मान्यवरों के हस्ते किया गया। नागपुर शहर के ट्रैवल सेक्टर में यात्रियों में विश्वसनीय और प्रसिद्ध बाबा ट्रैवल्स पॉइंट ने नागपुर और पुणे के यात्रियों के सुलभ यात्रा के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। बाबा ट्रैवल्स कंपनी की ओर से नागपुर पुणे बस की शुरुआत बुधवार से की गई। इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में रामदेव अग्रवाल, बीटीपी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिराज शेख, शाफिन शेख और फैजान शेख प्रमुखता से उपस्थित थे। बुधवार को शहर के छत्रपति चौक से पहली बस पुणे के लिए रवाना हुई। मान्यवरों के हस्ते बस का शुभारंभ किया गया। सभी यात्रियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। सिराज भाई और सिराज भाई के पूरे ग्रुप को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी नई बस और उनका नया कारोबार बहुत तरक्की करे, ऐसे आशुभ आशीर्वाद। नागपुर शहर से पुणे की कनेक्टिविटी के लिए जो नागपुर वासियों को प्रॉब्लम होती थी, उसका हमारे बीटीपी ग्रुप ने ध्यान रखते हुए 4 नई बसें नागपुर से पुणे के लिए स्टार्ट की। उसके लिए मैं बीटीपी ग्रुप के सिराज भाई, मदर भाई सबका दया दिल से अभिनंदन करता हूँ। हेलो, वेलकम, मैं हूँ मैं और आज मैं बाबा ट्रेवल्स पॉइंट के अंदर आ चुका हूँ। ये बाबा ट्रेवल्स पॉइंट की बसेस है। मैं आपको बता दूं कि नागपुर शहर में बहुत सारी बसेस है जो नागपुर टू पुणे जाती है, लेकिन बाबा ट्रेवल पॉइंट्स ने अभी बहुत सारी बसेस ऐसी निकाली है जो नागपुर टू पुणे ट्रेवल करी, क्योंकि लोग ज्यादा है, बसेस कम थी, तो बाबा ट्रेवल्स ने एक बड़ी कोशिश की है कि ये ट्रेवल पॉइंट होनी चाहिए नागपुर में, बसेस होनी चाहिए ताकि सारे लोगों को कंफर्टेबली बस मिले और वो प्रॉपर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। नागपुर में बहुत सारी बसेस है लेकिन सुविधाएं कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो बाबा ट्रेवल्स की बसेस में जा रहे हैं, उनके हिसाब से कैसा लग रहा है उनको, क्या सुविधा अच्छी है बुरी है ये जानते हैं। सिद्धांत बांधे, सिद्धांत कैसा लग रहा है बस में? एकदम मस्त, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, रेगुलर ट्रेवल करते हो? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, रेगुलर नहीं, मतलब इसके पहले कोई और बस में ट्रेवल किया? नहीं नहीं, ये पहली बार। हाँ सर। कैसा लग रहा है? अच्छा, कम्फर्टेबल है। हाँ, एग्जैक्ट। चलिए आप बताइए कि आप कभी और बाकी बसेस में गए होंगे तो उनकी बसेस में और ये बसेस में क्या फर्क आ रहा है? कंफर्टेबल, ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब और क्लीनलीनेस है, हाइजीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सर आप क्या कहोगे? कैसी लगी है बस? बस अच्छी है, सिर्फ अच्छी है नहीं, मतलब फैसिलिटीज जो भी है प्रॉपर है, क्योंकि मैं अक्सर ही बस से ट्रेवल करता हूँ तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें बस में, बहुत अच्छी बसेस है। क्या बात है। अच्छा, गर्ल्स के लिए सेफ्टी की बात हमेशा ऊपर रखी जाती है क्योंकि हमें पता है हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं शहर में, हिंदुस्तान में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसा लगा यहाँ पे? सेफ है, अच्छा है, सेफ तो लग रहा है फिलहाल, तो लग रहा है। और कंफर्ट जोन? अच्छा। अच्छा, एक लड़की के लिए कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी बस में बहुत सारे अनजान लोग, स्ट्रेंजर लोग भी मौजूद होते हैं, तो आपके हिसाब से आपके लिए बस सेफ है, सिक्योर है, कम्फर्ट है, ये इम्पोर्टेंट? हाँ, बहुत ज्यादा कम्फर्ट है और सेफ भी है। बाकी बसेस से लेकर ये बसेस में क्या फर्क लगा? बहुत ज्यादा फर्क है, पैसा वसूल है। पैसा वसूल है, एग्जैक्टली। बात ये थी कि पैसा वसूल है बहुत जरूरी है क्योंकि किराया जितना हो रहा है उससे ज्यादा मिलो तो ज्यादा मजा आता है। वैसे भी हम नागपुर वाले हैं और कहीं के भी हो, हिंदुस्तान के हो, अगर पैसा आप 100 रुपए डाल रहे हो तो 1000 रुपए निकालने की आदत हम सबकी है। आपको कितना कम्फर्ट लग रहा है? यस सर, मेरे तो अभी पहली बार है तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी बसेस में ट्रैवल किया कभी? यस सर, तो उससे अच्छा ही है, उससे अच्छा ही है। क्या बात, आपकी चेहरे की स्माइल बता रही है। सर आप बताना चाहोगे कि क्या डिफरेंस है बाकी बसेस से लेकर ये बस? मैं बस में ट्रैवल ही नहीं किया आज तक, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है, बस जैसी लग रही है या नॉर्मल लग रहा है, सही कंफर्ट है या बस जैसा फील? कंफर्ट अच्छा है, कंफर्ट अच्छा, फील अच्छी है बस की। ओके, तो आइए आपसे जानना चाहूंगा कि कितना कंफर्टेबल लग रहा है आपको इस बस में ट्रैवल करते हुए? कंफर्ट लेवल ज्यादा है, अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, अच्छा फील आ रहा है, घर जैसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम 5-स्टार होटल में बैठे हैं। पैसा वसूल हो रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। और आप क्या कहना चाहोगे इस बस के बारे में? मैं पहले कभी बैठी नहीं हूँ, इस पहली बार बैठी हूँ, फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बहुत सारी बसेस में ट्रेवल करते होगे, क्या फर्क है इस बस में और उस बस में? यहाँ फैसिलिटीज आई थिंक सो बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी हाइजीनिक बस एंड लैविश लुक, यू नो, फीलिंग वेरी लैविशली, एवरीथिंग इज़ यू नो वेरी नीट एंड क्लीन एंड बस इट इज़ वेरी गुड। बसेस में क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए और एंटरटेनमेंट फुल होना चाहिए, घर जैसा फील होना चाहिए या तो 5-स्टार होटल जैसा फील होना चाहिए। मेरे ख्याल से बीटीपी यात्रा की जो बसेस है बिल्कुल आपको इन सब से मुलाकात करवाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ सारी चीजें अवेलेबल है, गद्दे ऐसे हैं कि जहाँ आप अपने कंफर्ट जोन के साथ आराम से बैठ सकते हैं, बेड इतने अच्छे हैं, आपको चढ़ने के लिए
प्रॉपर सीढ़ी तक इन्होंने दी है जिससे आप कंफर्टेबली चढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है, आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है, यहाँ पर टीवी तक मौजूद है, हाइजीन चीज है, हर एक चीजों का हमने ध्यान रखा हुआ है। अगर आपको बनाना है अपनी यात्रा को सुखद और सुंदर और खूबसूरत, बीटीपी यात्रा की बसेस को अभी बुक कीजिए नागपुर टू पुणे के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।